हाय दिस इज नवाब एंड वेलकम टू खंडवा पिजन। जैसे कि आप सभी को पता था कि मैंने आपसे कहा था कि सारिक भाई का पिजन लॉफ्ट का दूसरा वीडियो भी लेके आऊंगा, तो ये मैं अब लेके आया हूँ। इस आज जो है मैं आपको थोड़ा सा हटके दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको शो कराएंगे फैंसी कबूतर के साथ साथ हाई फ्लायर्स का। हाई फ्लायर्स में आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है सारिक भाई? मेरे पास पंजाबी है, पंजाबी है, मद्रासी है। हाँ चलिए माशाल्लाह, मतलब इनके पास फैंसी के साथ साथ और दूसरा भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो जो है इसकी पहचान किस तरीके से, मतलब जैसे अगर अपन व्यूअर्स को बताएं कि पंजाबी की क्या खासियत है, कुछ ऐसा फेस देख के पता करना। जैसे अपन ये सब बैठा भी है, जैसे सामने ये बैठा है, ये ग्रेबाज, इसको मतलब ग्रेबाज किस बेसिस पे कहा जाता है, मतलब मैं थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से अगर देखूँ तो इनकी जो आंखें रहती हैं, देखिए जो आंखें आप देख सकते हैं जी, व्हाइट ब्राउन ब्लैक, आंखों से इसका भी चलता है इसका कलेक्शन। और अब जो दूसरे, अब जैसे एक मैंने एक चीज और देखी थी जो मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, वो कहाँ चली गई है? सारनपुरी कबूतर में जी, वो लगभग यहीं कहीं बैठी थी यार। वो ऐसा टेडी जैसा दिखता है, टेडी भी इसी तरीके, देखिए ये उड़ रहा है लगभग। इसकी ये भी चिक्स है क्या या फीमेल है? इसकी खासियत ये रहती है जी, चूड़ी के अंदर से निकल जाती है। अच्छा, चूड़ी के अंदर से निकल जाता है ये सारंगपुरी की, ये खासियत होती है। जी जी जी, तो मतलब ये इतना पतला स्लिम वगैरह होता है, ऐसा पतला और लचीला बदन होता है ताकि आप इसको चूड़ी के अंदर से इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके पर देखो जी, देखिए आप कितने शानदार। अगर कबूतर के परों में गैप आने लगे ना ज्यादा जी, तो ये उड़ने में फिर मुश्किल करता है क्योंकि इसके परों में से हवा पास होने लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, गैप नहीं आना चाहिए, सारंगपुरी में नहीं मिलेगा तुम्हें। जी जी जी, एक बार फिर से उसको थोड़ा सा ऐसा करिए, देखिए आप इसकी क्वालिटी देखिए, बहुत शानदार चीज है ये। वैसे हाई फ्लायर्स का तो मैंने कभी शो किया नहीं है, लेकिन आप इसकी गर्दन देख लो, गर्दन बहुत लंबी आती है इसकी जी, अपने गिरेबाज कबूतरों की बहुत कम लंबी आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो दूसरा आप पकड़े हुए ये कौन सा? ये पंजाबी फीमेल है। पंजाबी, इसकी कैसी पहचान आएगी? थोड़ी सी आईज, आईज देखिए। हाँ हाँ जी, येलो, हाँ हाँ, गार है उसके बीच में जी, तकली थोड़ी सी, चोंच लंबी रहती है, चोंच लंबी रहती है। तो ये हाई फ्लायर्स में जो है सबसे ज्यादा कौन से कबूतर उड़ते हैं, कुछ ऐसा उसका कुछ वो रहती है क्या कि कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा उड़ने वाली है? नस्ल की उड़ान की बात करे जाए तो अगर अगर तरीके से ले जाए तो गिरेबाजी है जो कबूतर सबसे ज्यादा अभी तक के उड़े हुए उड़े हैं। ये मद्रासी पंजाबी का शौक जो है ये लोगों को अभी अभी लगा एक तरीके। अच्छा अच्छा जी, लेकिन इससे पहले के अपने पुराने गिरेबाजी ही चलते आ रहे। जी जी जी, ये देखिए आप, जैसे आप सारे पिजन्स देखोगे तो आपको फुल जो है हेल्दी दिखेंगे, और इसके अंदर जो है हाई फ्लायर्स भी बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि ये इस तरीके से, मतलब ये क्रॉस ब्रीड भी करवाई है क्या आपने इसके अंदर? मद्रासी से पंजाबी को क्रॉस करवाया। एक ये चीज देखिए, हाँ ये चीज देखिए आप, इसकी ये आंध्रा की चीज है, ये आंध्रा से लेके, इसको इसको कौन से बोलते हैं? ये आंध्रा पैटर्न मद्रासी है, ये मद्रासी आंध्रा पैटर्न है। इसके पर वगैरह भी दिखाइए जरा, देखिए जो इसके पर वगैरह हैं आप वो भी देख सकते हैं कितने शानदार हैं। तो ये दिखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज दिखती है। ये देखिए आप, इसके कलर, आंखों का कलर थोड़ा सा गाजरी कलर में ना जी, ये अगर अपनी लैंग्वेज में, इधर लैंग्वेज में बोला जाता है अनारा कलर बोलते हैं इसके आंखों को, अनारा कलर। देखिए आप कितना शानदार कलर है, देखिए जेड ब्लैक, ये जेड ब्लैक में, ये कौन सा है? ये भी मद्रासी पंजाबी में मिक्स करा हुआ है, मिक्स ब्रीड भी बहुत अच्छी है। मतलब आप देखिए कि इनके पास हर तरीके के वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, और जो है इसके अंदर मैंने बहुत सारे देखे हैं कि इस तरीके के जो कबूतर रहते हैं बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग अब मांगते भी हैं। तो देखिए डिलीवरी की बात की जाए तो इनके पास ऑल ओवर जो है एमपी तो अवेलेबल करवा ही देंगे, लेकिन अगर आप एमपी के बाहर से हैं तो फिर ट्रांसपोर्टेशन इनके पास पॉसिबल नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हम करवा देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है भाई। ये वाला, ये भी हाई फ्लायर ही है क्या? मद्रासी है। तो इस पे कलर कुछ नया दिख रहा है मुझे, सेम कलर के तीन पीस है मेरे पास, तीन पीस आपके पास। देखिए आप इसकी क्वालिटी देखिए, इसको डबल कलर बोलते हैं, जी डबल कलर बोलते हैं। ये अभी आपको जो आंध्रा वाला मेल दिखाया था ना, ये उसी की फीमेल, उसी की फीमेल है ये। बहुत बढ़िया, आप देखिए इनके पास अभी इसकी भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, ये सब उन्हीं की ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। उसका नहीं है, तो इनका सेटअप आपने किधर, इस साइड रखा हुआ है? हाँ, ये देखिए आप देखेंगे सब में आपको ये जो बैठा हुआ है ये ब्लू वाला दिख रहा है जी, ये ब्लू वाला, ये वो आंध्रा वाले पैटर्न मद्रासी का ही बच्चा है जी, सेम उसी के कलर का, मतलब ब्लू कलर में ही आया है। अच्छा जी, तो वो सब देखिए आप, जो है सब सेटअप देखिए इनके पास एक से बढ़कर एक। आप देखो आप पूरा क्लियर दिखेगा, देखिए अभी आप इसकी क्लियरिटी देखिए। ये दोनों जो बैठे हुए पेयर है क्या? नहीं ये अलग अलग। अच्छा ये फीमेल लगी है,
इसकी नाक के ऊपर थोड़ा सा ये बड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा शायद ये इसकी खोली। ये पैटर्न का जो खड़ने का तरीका है ना अपने इधर के लोकल मद्रासी से बहुत अलग है, बहुत अलग है। जी जी, खैर ये सब चीज़ें तो हमारे सर पे से जा रही है क्योंकि हम जो है फैंसी ब्रीड वाले हैं। ये देखिए, ये चीज़ देखेंगे आप, ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल है जो हाई फ्लायर्स के शौक रखते हैं उन लोगों के लिए, एक से बढ़कर एक चीज़ आपको इनके पास मिल जाएगी, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं और देखेंगे सब लोगों में। एक पंजाबी के अंदर ये पंजाबी का जो आप इसको पकड़ोगे ना तो ये जो है ये पूरा फ्लैट आएगा एक तरीके से। अच्छा जी जी, जैसे अपने ग्रेबास कबूतर को पूरा राउंड में आता है, इनका फ्लैट फ्लैट आएगा। तो ये भी इनके जो है आप देखिए चिक्स वगैरह अंडे वगैरह पे सब बैठे हैं। सहारनपुरी का चिक्स है, सहारनपुरी भी देखने को मिल जाएंगे आपको। ये कितने का मतलब अभी कितने कितने फेदर का होगा ये? ये अभी जीरो कली का है, अभी जीरो कली का ही है ना। करण भाई एक आपसे एक नॉलेज मुझे जरा लेना था, मैं अपने व्यूअर्स को भी, कि इसमें कली कैसे चेक की जाती है, अब आप मुझे थोड़ा सा ये डिटेल्स में बता दीजिए जरा। देखिए जैसे कि अभी ये कबूतर है भाई, ये बच्चा है, जैसे अपन अगर यहाँ से गिने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सीधी है, इधर वाली नहीं गिनेंगे जो इधर के साइड घूम रही है ना, वो नहीं गिनेंगे। ये पूरी 10 कली इसकी हो गई है, 10 कली पूरी कंप्लीट अपनी। हाँ। अब ये कली जब ये निकल के गिर के ये निकल जाएगी यहाँ से, फिर दूसरी आ जाएगी इसकी जगह, तो ये एक कली का कहलाएगा यहाँ से। अच्छा जी, फिर ये धीरे धीरे ये पूरी कलियों गिर गिर के नहीं आती जाएगी, इसको पहचानने में आपको आसानी हो जाएगी, इतना बड़ा चिक से जो भी। अच्छा, इतना बड़ा जो रहेगा। एक ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो मिक्स कलर में ऊपर चिपका हुआ है, उसको उतारना तो बहुत मुश्किल है। खैर फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें जो आपको इनके पास दिखेगी, अच्छी सी अच्छी चीज़ दिखेगी आपको, और जो है आपको ऑल ओवर इंडिया जो है आप लोग को मतलब जो शौक करते हैं तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो भी है। मैंने आपके इसके अंदर आपको नॉलेज भी बताया, जैसे नकाबपोश वगैरह भी मैंने आपको बता दूँ कि ये भी बहुत अच्छी ब्रीड होती है। इसके अंदर अभी शायद इन्होंने मतलब ब्रीडिंग के लिए चालू हुए हैं, अभी अंडे वगैरह रखे नहीं है। सेमी एडल्ट फीमेल थी, अभी सेमी एडल्ट फीमेल थी। ये देखिए आप, जो कि आपको सारा सेटअप जो है आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, आपको इनमें से जो है कौन सी ब्रीड्स चाहिए ये आप लोग इनसे पूछ सकते हैं, अगर ये सेल करना चाहें तो कर सकते हैं। और देखिए गाइस, जिन्हें चाहिए सिर्फ वही कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि भाई भी थोड़ा सा बिजी रहते हैं, वरना यूट्यूब पे अक्सर हमारे करण भाई तो परेशान ही रहते हैं कि भाई तूने नंबर डाला कि बस करण भाई को परेशान फ़ोन आना चालू। अब हमारे करण भाई ने आज हमको यहाँ पर लिया है और आज ये लॉफ्ट दिखाया, तो आज दिल से थैंक्स करण भाई का भी, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, और हमारे भाई जो है इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो भाई आपका सेटअप माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बर्ड्स वगैरह भी सब अच्छे हैं, और ये सब चीज़ों में आप देखोगे कि आपको जो है एक भी बर्ड जो है वीक, ये तो मतलब बीमारी का मौसम है, लेकिन आप देखोगे सारे जो है फुल चुस्त दुरुस्त हैं। और इसका मेन रीज़न भी है कि भाई को गाइड करने के लिए हमारे करण भाई रहते हैं, और भाई भी बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं, तो इनके पास मेडिसिन वगैरह भी, अभी करण भाई ने देखते से ही देख लिया कि यार ये बीमार है, इसको मेडिसिन भी दे दी। तो ये काफ़ी अच्छा स्वभाव है हमारे करण भाई का, कि ये बहुत ज़्यादा मतलब गाइड करते हैं लोगों को, ऐसा नहीं है कि अपने पास चीज़ है तो फिर आपको उसको अपन ही पास रखें। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द हम करण भाई के भी लॉफ्ट पे जाएंगे। करण भाई आपका कीमती समय निकाल के जरा हमारे व्यूवर्स को एक बार और आपका जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस वगैरह की वीडियोज़ बनाएंगे। तो होप गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, अपने कबूतर का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।